भैया आप अपने भीम अर्जुन को बोल दीजिए। ठीक है। अरे भीम से कहिए भैया। अर्जुन कहिए। देखिए आप दोनों के लिए मैं मास्टर के हवाले कर रहा हूँ, और जहाँ ये ले आना चाहते हैं वहाँ के साथ जाइए। ठीक है महाराज। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया। माधव लाओ, ये लो भीम सिंह और ये लो अर्जुन सिंह। भैया हाँ कहिए। अगर आप जो मन मांगते हैं तो मैं इनको ले जा जैसे ले जा रहा हूँ और तैसे मैं आपको वापस कर दूँगा। ठीक है माधव। देखिए अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है श्रीमान। 50 रुपया रमेश चंद्र नौस्थान में जाने वासी यानी छत्तरपुर के रहने वाले। छत्तरपुर किसान के हाँ हाँ भाई छत्तरपुर छत्तरपुर के रहने वाले ये 50 रुपए का पुरस्कार करते हैं। और भैया 50 हमारी नोट। और भैया मेरी इसका मन मई छत्तरपुर वाला की का कह रही है का मालूम का ढोकरी। हां अरे नाओ नैना को जो सो जोला मोजा बियानी कर अर्जुन और दो भीम जनाज नंबर में हरे मीन बिन कैसे रहो बचन ये सकते श्री कृष्ण दे सांत्वना बहु मित्रे समझा। भीम अर्जुन ले चल रहे का ये मगध में अगर मुझे मन मानते हो दोनों भाइयों को नैन मानते हो तो फिर किस बात कर रहे। कोई बात नहीं जैसे मैं ले जा रहा हूँ तैसे ही आपको वापस कर दूंगा। अरे भैया भीम और अर्जुन भैया भैया देखिए आप अपने ठीक है महाराज जी तुम कहो तुम्हारा ऑर्डर है माता जी और ऐसी तरह तो अरे वो पहचान लेगा पहचान के भाग जाएगा ऐसे कर ले महाराज। अरे नहीं ये कड़ी खाया मुंह मत ढाका और फिर तक फल जाए तू जा रहा था फल पर की ये महाराज ऐसे बन जा लो कर की ऐसे ऐसे बन जा लो कर की फिर मुंह पे डाल लियो मुंह देख लियो वो देर का देखा हमने। हां साथ में तो मैंने सही बनाया। हां देखिए गाने की कड़ी आती है कि खबर गोरी की आई गोरी को पड़ेगा पियर रंग। लेकिन हमारे जागने वाले भैया क्या कड़ी बनाते हैं। देखिए माता जी सही लग रहे हैं अब तुम पहचान भी नहीं आ रहा देख लियो और मुझे देखिए अब तुम सही हो भाई साहब भी तुम देख रही हो। हाँ ठीक हो भैया देखो अब नहीं पहचान पाएगा। चलो चलो चलते हैं। अरे भेष तपस्या धर लियो पारण को कर लियो पिया रो राखा भेष तपस्या धर लियो पारण को कर लियो पिया रो राखा भेष तपस्या धर लियो पारण को कर लियो पिया रो भेष तपस्या धर लियो पारण को कर लियो पिया रो Oh,
जब हम और आप चलेंगे, देखिए सामने यही मगध है। अच्छा ये है उसकी मगध है, और हम तो चार दीवारी फलान करके चलेंगे। अगर दरवाजे से चलेंगे तो हमको पहचान, मतलब यही महल है जरासंध की। ये कचहरी है, यही कचहरी है जरासंध की। चलो पहले तो मछरिया पीछे आ रहे हैं, बनी आ जाइए आओ। तो चल रहे माधवी, ये दस्ते तो हमें खाइए ना एक बार बोली शंकर भगवान की। कह रहा है मेरे नाम का सारे जान में, और शेरों के छक्के छूटे जरासंध के, शेर घुनाए आंखें निकालू और जमीन में लात मारू पानी। खेती प्यारी कीमता यही मेरा संदेश है, मैं भारत माँ का लालू तो भारत मेरा। ए राजा लोगो, गलत नीचे करो। चलो चार दीवारी भला करके मेरा तो पहली बार, तुम चलो आगे। हाँ कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तुम्हें दिलाए कि लाए, तुम्हें चलो आए। चलो आओ, चलो आओ। ओहो मैं क्या देख रहा हूँ, के बंदरों की तरह उल उल के ये कौन हटते जा रहे हैं। के पहले से तो 86 राजा कैदी हैं, तीन और आ गए। के जरा सिंधियो खेने लगा, दियो भेद बताइए, और तपसी बन के जाती आए। तुमने लीला के सोचे बाए, ये तपसी बन के जाती आए। तुमने लीला के सोचे बाए, ये तपसी बन के लागा, और तुमने लीना भेस और तपसी बन के छत्री आए। तुमने जरा सिंह पहचाना तो तुमने सही है, पर हमारी एक बात सुन। हमारी पूछ रहा है कौन कौन नहीं है, सुन। के छत्री जाति संहार कहे माधव ने बचन जात के रक्षक हैं, क्यों भूख कैद में। एक बात मेरी मानेगा कालिया, तू तो पहले कई बार में मार। कोई बात नहीं, जो कह कहता रहे। एक बात सुन, हम आए किस लिए? जितने तेरे यहाँ जो राजा हैं उन सबको छोड़ दे, ये सबको। सुनिए कि ये छुई मुई का पेड़ नहीं। अच्छा। और छूने से डर जावे, हम उस मैया के लाल नहीं जो हम। कहते
जो कह रहा सो के हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से डर जावे और हम उस मैया के लाल नहीं जो हुए से कर मुख तूने दे राजा तू और संत भाव समुदा समझाने के लिए आए लेकिन तेरे मारने नहीं आए। जितने छासी राजा तेरी कैद में उनको सबको छोड़ दे। एक भी नहीं जाएगा, एक भी नहीं आएगा। बोल कर्म करता नीचे करो, कोई कतर का डालना, एक कोई मत करे डालना। तूने दे राजा तू और शांत भाव हम साथ शांत भाव हम समझाते हैं। अगर बात नहीं मानेगा हम लोग तुझे पहले नीचे उतर गया था। बात ये बता हम तीन तीन से किससे लड़ेगा? वो भी ईमानदारी के बोल रहे हो मोते बच्चा मोते के किल्ला। अरे मोते तुता है अंदर, इससे भी नहीं लड़ूंगा। तो मोते तुम लड़ तो वो मैं इससे लड़ूंगा, इससे लड़ेगा। ठीक है इससे लड़ेगा। जय खबा तो से बता दे रहे हो इनसे भी लड़ेगा नहीं लड़ूंगा। तो मुझसे लड़ेगा भाई साहब, इनसे एक दिल से भगवा दे, एक दिल ताकत भरी जा में पड़ गई। देख लियो मुझसे ही लड़ेगा। हां ए अब मेरे मेरे पास जो बन के हीरो बने चले जाता नहीं है, वो ऐसे मुझसे लड़ता है। चल मुझसे ही लड़े, मैं तो ही सुध जाऊंगा। तो जी बात है भैया, मात के सारे को मात मार दो। हां और बात है नाम में नौकर मान के रख दिया। जाओ डर जाए इस तरीके से। एक एक की लड़ाई बोल, लड़ेगा यहाँ लड़ेगा कहीं दूसरी जगह पे। ऐसा करिए जरासन, मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू यहाँ लड़ेगा और मरता देखेंगे ये परिवार वाले गाँव वाले तुझे बचाएंगे। हमारा राजा है इसलिए एकांत में चले होगी ईमानदारी की लड़ाई। तुमने इसको तय किया सही लड़ाई, एक एक चलो ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलते, पर एक बात बताऊँ, शेरदब को पुत्र सरदेव को बुला दे। कौन सा पुत्र सरदेव है? हाँ अपने लोंडे को बुला ले सरदेव को। आ जा बेटा सरदेव, आ गया सरदेव, आ गया। बहुत बढ़िया भाई, क्या करिए सिंहासन डालिए, डालो सिंहासन के लिए। अभी नहीं, अभी राजा तो राजा के रूप में होना चाहिए ना। चला चल, हमने तेरे पुत्र को क्यों बुलाया है? हमने तुम्हारे बच्चों को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? देखिए वैसे तो पिता के मरने के बाद संपत्ति पुत्र को मिलती है, और आज हम तेरी आंखों के सामने तेरा राज तिलक तेरी सारी संपत्ति तेरे बच्चों को दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, लाओ जल्दी लाओ। तो जब मरने के बाद पुत्र अधिकारी होता तुम्हारे सामने ही देखी जाएगा। ठीक है चलो मारंग भीन जाए मुझे ताकत चला रही है। कोई बात नहीं, करो यूं ही। आज से तुम हमारे देश के राजा बन रहे हो। डालो हाथ भैया, नजर लगा तेरा बच्चे के लिए। जगह में की और ऐसे का दुकानियां का सब तुम्हारी कहीं पे चलो पड़े तो मैं कहूँगे सोच चीज हो गई। हाँ
आओ अभी नहीं चूड़ा लेके आओ। आज से तुम्हें आगे राजा इस गांव का, ठीक है? तुम्हारा ही ओडा चलेगा, भरंजा भरंजा का एक हो सही करवा देना। लो चौकस आपकी चांद गंजी सी है। देखिए हमने तुम्हारे बच्चे को राजा बना, देखिए अगर कोई तुमसे बच्चे से कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। क्यों का बेटा जरा तू भरे बाबा आखिरी बात तो कह ले, बात कह रहे हो। मैं तो समझा ही दूंगा, पहले तुम समझा रहा हूँ, आप ही समझाइए। देखिए राज का चलाना आप जानते हैं, कह रहे कसम सुने नहीं नहीं ये कह रहे नहीं, तो देखिए हम बताते हैं आप बैठिए। देखिए प्रजा को पुत्र के समान समझना, प्रजा को पुत्र के समान समझना, वो गरीबों को भरपेट भोजन देना, ब्राह्मणों को जितना दान करना उतना दान करना, पर अब से नाला के पिता की बात को मत मानना। क्यों? ये तो अपने घमंड में प्रजा को पुत्र के समान मानोगे तो बड़े आनंद पाओगे। जाओ मौज करो तुम राजा, नाला क्यों मनने वाला है अब लड़का से जाइए बेटा, तुम जहाँ थे तही जाओ। अब चलो जरा संजय लड़ाई शुरू। देखिए जरा ये बहुत बढ़िया भूमि, जो यहाँ मरेगा मित्र लोग को जाएगा, ठीक है? अब दोनों के भैया भैया बिन पे भैया भैया ऐसे हमारी बात मानोगे, हमारे बुजुर्ग भाई लोग मारे हुए, ये चार पाइया तो हटा दो, बहुत बढ़िया बात है। समाज में एक बात तो है, बुजुर्गों के सामने हम चार पाई बैठेंगे तो हमारी बदनामी होगी, लेकिन आप लोग तो चार पाई को बैठ गए। सब लोग आ जाए, देखिए हमारी माता बहन चलो लड़ने को तैयार हो जा, ये हटा लो जब खाई पिए भीमसेन जरासंध को चीर के फेंक देता तो दोनों खापे आती फाफड़ाती हुई आपस में जुड़ जाती थी। जरासंध फिर जी के तैयार हो जाता था, लगातार 13 दिन तक ऐसे जीता रहा। उधर माधव जी सोचने लगे,
कि अब भीम थक जाएंगे। तो माधव जी ने एक इशारा किया भीम से, एक तिनका को लिया और तोड़ करके धरवारा तिनका धर फेंक दिया और धरवारा तिनका धर फेंक दिया। जिस तरह से वे दोनों खापे चल नहीं पाई, तब 14वें दिन जा करके उस जरासंध का वध हुआ। इस तरह से जरासंध मारा। इसकी लात को उठवा के भगवा दो, चलो फेंको। अरे तुम ही फेंक आओ भैया, आगे उठवा दो, उठवा दो, जल प्रवाह दे दो। चलो उठाओ, मर के लिए भूल गई। अरे आज जरासंध मर जाता है, क्या होता भैया? अरे चलो बाहर है भैया, भैया भी कहिए आ जाओ। अरे रामा भेड़े गए दोनों भी कैया देना भैया लड़ाए। ये 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं। बह गए दोनों वीर कई दिन भाई, घातक करे प्रहार भीम ने लयो। जरासंध जब तक थक गयो भीम ने लई मर जान पटक, जरासंध भूम पे यो भीम ने बे। आज तुमने जरासंध को तो मार दिया, चलो इसकी गोक पे चलते हैं और जितने बाहर आ जाए उनको आ जाए और उनका निमंत्रण। चलो राजा की ने मुक्त भीम अर्जुन संग लगाए, हतनापुर गया है धर्म में। श्री कृष्ण कहने लगे चौदिश के भूप जीत लो डिघर भैया धर्मराज। अरे माधव जी नमस्कार स्वीकार। तुम्हारे दोनों भाई खड़े हैं।
तैयार है, हम आ गए जैसे गए वैसे आ गए। भाई हमको आज्ञा दीजिए, हम अपनी अब तो इन काम आई द्वार का बुला। ठीक है माता जाइए, हाँ देखिए जरूरत पड़ेगी मैं आपको फिर बुलाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा एक मिनट बता तो जाओ। अरे अब ये भी बताना पड़ेगा, देखिए हमने जरासंध को मरवार करके सारे राजाओं को और उनके देशों के लिए भेजा था राजकाज, और उसके बाद निमंत्रण देके आएगा भाई भैया यज्ञ को करेंगे, उस यज्ञ में सभी लोगों को आना दावत। ठीक है, और उसके बाद अब ये अब तो सरल काम रह गया, अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं को भेज कर दी और चारों दिशाओं को राजा को घिसवाया। अरे दे तो दही बाल में मंगा रहा हूँ, बाल में दही माची तो संते आवती है। और आयो बखतु नराय वे को तो जाए को जो ससुर, जाए को जो ससुरारे केला में मर गाओ। अरे घर मर गए जाके दो पहला छुड़ी गाओ उन दोनों को, कहीं के दिन कबर आए सुनरी तू ना उगी। अरे पीछी उत्तरा ले समार भेला तू कबर मत करिए। अच्छा गहू धरी ढूंढे गहू बचना बे हाथ बचना तो भेदी ले रहे साथ भूखे फिर बाजार में गांठ होए जब खाए, भूखे फिर बाजार में गांठ होए जब खाए। चतुरिया से Yeah.
अंबर अदवर से लगाई तो पैरी ओढ़ के लिए सी सो गई है जी दुनिया की लोक में लगाई लगाई और क्या अरे सात पांच जग रहे चैन बात बात करे सात पांच जग रहे चैन बात बात करे Thank you.
सीखा मोरो चौक में है गए टू बाजार तो बात है ले ले टाइम पास हो आप सिस्टम है वो तो टाइम पास हो हां टाइम पास हो जोकर सीखा मोरो चौक में है गए टूंक टूंक बेहतर से ले तो तेरा ही के साग नाम सबने है मट्टी में समाए तिरई चोच भर ले गई तो कानी घड़िया मन मटकी तनको दई सुरत बुलो वाला हार मन मटकी तनको दई सुरत बुलो वाला हार तस्त कबीरा ले गई तो छाच पियो भली कमाई बुद्ध फूल देखी रंग पैसा दे उलाओ तो कहेंगे तो इसी बात को लेकर के आज धर्म राय ने आज नाहिर को बुलवाया नाहिर को अरे भैया नाही के काहे रे कसाई के देख भाई अब यज्ञ की तैयारी हो रही है तो ये कहाँ कहाँ जाना है होते ही नाहे के ना है नाहन तो है अब आवे आई आई ना आई क्यों ना आवे रे आए तो जाई मैं परेशान कर रही हूँ बात नहीं करे तो करती मैं पहले मेरी बात सुन तू तो जय नमत कहाँ कहाँ पहुँचाना है कहाँ कहाँ पहुँचाना सबसे पहले ले जाना भैया दुर्योधन के पास अच्छा ठीक उसके बाद जाना द्रौपदी जी के मायके कब पे अच्छा कब पे ले आऊँ उसके बाद जाना शिषपाल के जाऊँ अच्छा शिषपाल के यहाँ भी और अपने पिता माए आचार जोड़े सबको निमंत्रण देकर भी फिर कहाँ जाएगा जाना शिषपाल के जाऊँ तो बैठे पाल के साथ जाएंगे हम शिषपाल बैठेंगे न्योता देने के बाद फिर कहाँ जाएगा द्वारका को द्वारपुरी से द्वारका सुनने जाओ और अपनी नायक से कह देना न्योता दे किया और आटा मारने का अरे जल्दी आया पैदावार टाइम आएगा भैया अरे दक्षना तो भी आगे आया आया महाराज महाराज के यहाँ तो है हाँ ब्याह है रो है चून मारूंगी तेरी नेका तो मैं मार दूंगा तू मारी है मन हमारे पास कितो मिले हो मन हमारे पे देख देख चले सोए देख तू तो नो तो दिया इतने ठीक है तू जाइए इतना प्रगता नो दे हाँ सीधे ही राय दूरी हो जाओ तो तेरे किना के घर चली जाओ देख राय दूरी हो जाइए देख कर्ण को नोते आइए और तो शिषपाल को नोते आइए ठीक है इना को तू नोते बाकी रहेगा समय नोते रहूंगो अच्छा हाँ और बाल नोते हो किना को बाकू का कहता है कर्ण को हाँ हाँ सबको नोते ही जा अच्छा पितामह को सबको नोते कहिए अच्छा और क्या है ये कि हमारे धर्मराज और वो यज्ञ कर रहे हैं और खाने पीने को मतलब आ जाओ तो ठीक है जैसे रात भाव का बाली रखते जा रहा है और फोन पे बात करता रही है कोई बात है गई तो हम तुरंत वही चंद्र से रहते हैं I'm
दुर्योधन कौन है? तो मनो तेरा पर धर्म राजा के जा रहा है अब हेरा हुआ वहाँ पर नी ठीक है सवाल बैठे मेरे नोट के सवाल बैठे ओ सवाल तो मनो तेरा है आप पांच खाई भी है यार धर्म राजा के घर है कृष्ण जी बिना घर है बिना के भीम सेने के भैया ना के घर है पंडा बना घर है आपको कैसी हालत जानती हूँ तेरी ये 20 रुपए का पुरस्कार करती है और काका तक कर रहा ओ तेरा हाँ धर्म राजा गरा बड़ो भारी हेरा हुआ गो प्रात कैसो अच्छा ठीक है तू निमंत्रण दे दिया अब मैं जा रहा हूँ और मन माधव जी के पास अम्मी तो तुम्हारी सब वो जल्दी भेज के पीजना के मन जा सरपंच अरे माता जी की प्रणाम जय गोपाल की कहिए भैया नाई के क्यों आया है भाई जय गोपाल की जय गोपाल की देखिए आपके भैया धर्मराज ने बुलाया है इसलिए वो यज्ञ कर रहे हैं वो हाँ चलो आएंगे चलो हाँ माधव आ गए हाँ महाराज की प्रणाम स्वीकारो माधव जी नमस्कार नमस्कार भैया ये बताइए हाँ यज्ञ तो हो ही रहा है ये बताइए काम काज करने का कोई ढंग है आपका आप बताइए इसीलिए तो मैं आपको बुलाया ये यज्ञ में पूरी होती सब्जी बनती है रायता सब बनता है उसका इंतजाम हो चुका है वो तो इंतजाम हो चुका है लेकिन अभी मैंने काम किसी को नहीं दिया काम कैसे कैसे करवाऊंगा आप बताएं अब आपस में बांट लो भाई ये बताइए तुम्हारा काम दावत में किसका होगा तुम्हारा रहेगा हम मतलब दान लेंगे दान बांटेंगे यानी आप दुर्योधन हो तो आप दान लेंगे दान बांटेंगे हाँ आप किसका काम लेंगे भाई साहब मैं तो सब्जी पसंदूंगा सब्जी चलो ठीक है कदुआ की पसंद राजा जी कोई बात नहीं आप किसका काम लेंगे भाई खड़े हो जाओ आप किसका काम लेंगे बोल खा के रही है आप देखिए हमारे छोटे भाई जल पस लेंगे ठीक है कोई बात नहीं चलो बैठ जाओ क्या मैं नहाने बुलाया जाओ दूरे मैं आप क्या करेंगे अरे खड़े तो हो खड़े करके आप क्या कोई बात नहीं आपको पूरी पसनी ठीक है माधव अब आप बताइए आप क्या करेंगे भाई साहब सब काम हो कोई पूरी पसेगा कोई पूरा पसेगा कोई सब्जी पसेगा कोई पानी पसेगा मैं सबकी झूठी पत्तल डालूंगा नहीं तो माधव हाँ ये काम हमारे पसंद नहीं आया नहीं भैया ये काम मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखिए सब लोगों का झूठ तुमको उठाओगे देखिए भैया आज के जमाने में तो काम वालों को बुला लेते हैं रुपया के चक्कर में जो झूठी पत्तल डालता है उसका ही पुण्य होता है तो इसीलिए आप जो है ये सब सबकी पत्तल डालूंगा अरे माधव जी ऐसा काम करो नहीं यही काम करो चलो कोई बात नहीं माधव जैसी आपकी इच्छा अगर आपको पत्थर का काम चाहिए तो आप पत्थर काम ले लेना ठीक है हाँ ठीक है और कोई काम कराना हो बताओ आप ये बताइए इस यज्ञ में पूजा किसकी होनी चाहिए पितामह से पूछिए मैं क्या बता सकता हूँ हाँ, हाँ बताइए अरे इसमें धर्मराज हाँ आप क्या कहना चाहते हो अरे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए सबसे प्रथम पूजा होनी चाहिए उन माधव जी की माधव जी की हाँ श्री कृष्ण की वैसे यही मन में मेरा विचार था कि सबसे प्रथम पूजा माधव जी की होनी चाहिए सबने होनी चाहिए हाँ हेलो माधव हाँ देखिए सब लोगों की मत ये है कि सबसे प्रथम पूजा आपकी होनी चाहिए भैया मेरी क्यों होनी चाहिए देखिए पिता भीष्म भी इस बात को कह रहे हैं अच्छा और द्रोणाचार्य इस बात को कह रहे हैं
के सबसे प्रथम पूजा द्वारका दीश की होनी चाहिए। भैया एक बात बताऊं? बोलो। पितामह जी कह रहे भूल गए क्यों कि सब ज्योत में ज्योत सूर्य कहावे और सब राजा में शेर श्री कृष्ण कहा, इसलिए मेरी पूजा कर तो करिए भैया। मैं वैसे कहता हूँ अन्य लोगों करिए, पितामह ही करिए, आचार्य तोड़ी करिए, सब लोग करिए। कोई बात नहीं, आप बैठिए और हमारे शेर की पूजा आपकी होगी। ठीक है, नहीं मान रहे हो तो ठीक है। भाई साहब बुलाओ थार सजा करके। देव तो हो जाएगा ही। ठीक है, अब माधव जी की पूजा होनी चाहिए। हाँ, और आरती कुंज बिहारी की के सिर धर के समुरारी की, सुषपाल देखिए हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जैसे सभी राजा आए वैसे आप इज्जत से बैठिए, यज्ञ में हमारे भंग मंडा जी हमारे यहाँ पूजा होगी तो माधव की होगी। देखिए सुनिए, अरे भीम रजिस्टर मेरी सुनो, भीम रजिस्टर मेरी सुनो, काम करो नादानी के अज्ञान वालों कुछ ज्ञान नहीं, क्यों मुंह लगते शैतानी के, क्या मतलब इसकी पूजा होनी चाहिए। सुषपाल हमारे यहाँ सबसे मान्य और सबसे बड़ी पूजा इन्हीं की मानी जाती है। अरे पूजा तो नहीं करेंगे, नहीं इसकी नहीं। और अरे ये कौन है, कौन है के छलिया है छल करता है, छलिया है छल करता है, छल किया जो गोपियों के संग में और छल करके सत्ता सुर मारा और छल किया पूतना के ये चलिया लूट के मांगता। आप यहाँ पर बैठ जाइए आराम से, जैसे वो लोग बैठे हुए भूप समझाए हैं वास्तव रूप पिता मारे तो श्री कृष्ण। अच्छा बैठो माधव। अरे भीष्म जी कहने लागे ऐसा कोई न रूप नहीं, भीष्म जी कहने लागे ऐसा कोई न रूप नहीं, युद्ध करे जो माधव से ऐसा कोई। अरे नहीं इसकी पूजा नहीं। अरे बैठिए माधव जी तुम। अरे बैजंती माधव, एक बात तुमसे पूछूं? आप ये सुषपाल की इतनी कितनी हो चुस हो रहे, मतलब क्या तुम्हारा भैया? हाँ बताने में देर लगेगी। अरे मुझे बताओ तो सही है, तुमसे इतनी गलत बात कह रहा, तुमसे ग्वाला कहता है, कभी तुमसे छलिया कहता है,
और कभी तुमने कुछ कहता तुम इसकी बात क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? भैया मुझे सहन करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए जब ये सुषपाल अपनी माँ के यहाँ पैदा हुआ था, ये सुषपाल, यही सुषपाल, ठीक, जब ये पैदा हुआ तो इसकी चार भुजा थी, तीन नेत्र थे। चार भुजा तीन नेत्र? हाँ, इसके सुषपाल के? सुषपाल के, ठीक, चार भुजा तीन नेत्र थे भैया। तो संसार में ये खबर फैल गई थी के राजा जो इनके पिता नहीं थे, इनके घरवाली के पुत्र पैदा हुआ, उसकी चार भुजा तीन नेत्र हैं, ठीक। तो मेरे मन में विचार हुआ, मैंने भैया दाऊ से कहा, हाँ, कि भैया अपनी बुआ के एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ है जिसकी चार भुजाएं और तीन नेत्र, चलो देखो, है ठीक। तो दाऊ जी ने उनसे बहुत मना किया। अच्छा, अरे कि कन्हैया तू तो ऐसी नटखटकी सी बातें करता रहता, क्यों जा रहा है वहाँ पर? मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया, कहा भैया दुनिया दुनिया के जहाँ देखने जाती, चल हम तुम देखे, हम अपना कहा ठीक है। तो मैं भाई दाऊद वहां से चल दिए, जब चल दिए तो हम मैं दाऊद जी घर गए, तो इसकी माने दाऊद जी को दिन आप जो बढ़िया बात है, तब तुम लोग सुनतना फिर गया तो लिया समझ में आ रही, दाऊ की गोदी में डाला। हाँ, तो न तो भुजाएं कटी, न इसका तीसरा नेत्र फूटा, फिर उठा करके इसकी माँ ने मेरी गोदी में डाल दिया, सुषपाल को, सुषपाल। तो आते ही डालते ही डालते इसकी दोनों भुजाएं कट गई और तीसरा नेत्र भी लुप्त हो गया। तो इसकी माँ रोने लगी, सुषपाल की माँ, जी की, हाँ हाँ। तो कहने लगी, बेटा कन्हैया ये तेरा भैया, इसका ख्याल रखना। तो मैंने अपनी बुआ को वचन दिया कि ये 100 अपराध करेगा तब तक इसको माफ कर दूंगा, और जब 100 से आगे जाएगा तो उसी दिन इसका वध कर दूंगा। तो ये बताओ, क्या इसकी अभी 100 अपराध पूरे हुए? अभी नहीं हुए, तो इसलिए तुम सहन कर रहे हो, और इसलिए कहते जाने, तुमको क्या मतलब है? अरे या तो देखिए भीष्म की पूजा होनी चाहिए, या द्रोण गुरु की पूजा होनी चाहिए, या मेरी होनी चाहिए। बात देखी, और वैसे वैसे आप बैठिए इज्जत से और खाना पीना खाइए। जज्बाली क्या बात है इसमें? अरे इस ग्वाले की क्या बचन सुने भीषम के, बचन सुने जब भीषम के, सिर्फ पालक क्रोध में आया है। ओ माधव लड़ने को ठहर जा, ठहर जा, सुषपाल, अब तेरे 100 अपराध मुक्त हो चुके, अब सावधान हो जा। देख, याद मुझे कीनी सत्यता तूने की, हाँ की, याद मुझे कीनी सत्यता, अत्याचार किए तूने, मैंने ही तो किए, ओ द्वारका जलाने की चेष्टा छेद राजपुत्र की, और सुन और सुन ले, देख तूने मेरी द्वारका जलाने की चेष्टा की, क्या बात है, मैं तो जलाऊंगा, जितने यादों पर तूने अत्याचार किए, एक दिन तुमने मेरे पिता का भी घोड़ा पकड़ा, तो क्या बात है, बसदेव का घोड़ा पकड़ लिया, और बबरू की पत्नी का तूने बलपूर्व जाके हरण किया, तूने उन सत अपराध क्षमा की रे, फिर प्रभु ने चक्र चला दिया, सुषपाल वज्र सम धन गया सर से धड़को, भैया जय सरकटा है वो सरकटा, भैया सरकटा नहीं, और सरकटा धड़पड़ा, सरकटा धड़पड़ा, हाँ, इसकी लाश को उठवा के फेंकवा दो, बोला जितने जो अतिथि आए हुए अतिथि कोई भोजन नहीं करेगा, सूतक लग जाएगा भैया, हाँ मेरे भाई धोने का है, लेकिन जो काम करने वाले काम पर लग रहे हैं,
हाँ देखिए इस बात की और देखो ये दिलियों ने क्या कर रहा है। देखिए जितना माल आ रहा नहीं उस तेरे ये जो बर्बाद कर रहा है। क्यों पता नहीं भैया। हाँ देखिए ये कितना खजाना तुम्हारा लुटा देगा। एक रुपये लेता है 10 रुपये खर्च करता है। वही तो देख रहा हूँ ना तुमको ये मालूम होना चाहिए। एक तरफ से कोना तुम्हारा खत्म होता जा रहा है, एक तरफ से बढ़ता जा रहा है। कुबेर भंडारी बैठे हुए कहाँ तक ये खर्च करेगा। आज दुर्योधन भेटे लेते लेते थक जाता है। देखिए करायो यज्ञ समाप्त भयो धर्म अभ्यो वर्तापन राज उपहार मूल मगाए आभार पर कियो धर्म में धुरो सभा। ऐसा करिए यज्ञ तो तुम्हारा संपूर्ण हो चुका है, इसलिए अब हमको आज्ञा दो हम अपने घर को जाए। माधव हाँ चलो कोई बात नहीं, समय पर हम आपकी फिर याद करेंगे। ठीक है आज यज्ञ समाप्त करने के बाद में कौन रुक जाते हैं राजा दुर्योधन और भेंट लेते देते वो थक जाता तो क्या होता है। क्या होता है अरे रामा बे संपायन कई सोने जनाने जमाए समापत भयो रुके दुर्योधन भाई भवन देखने बंद संग दुर्योधन कौशल देख भवन को तो जलन हो मन भाई। आज दुर्योधन मन में विचार करने लगा के पांडवों की तो कीर्ति संसार में दिन ब दिन उठती जा रही है और हमें और हमारे तो शासन दिया कोई नहीं जानता है। आज ऐसी दशा को देख करके उसमें मन में जलन हो रही थी और जलन होते होते क्या हो रहा है दसरा पैया नया धमाका। दसरा पैया सभी ये 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं। सभी हाँ सभी कोई दे रही और बात बनाई थी बनाई हाँ। और दैया सभी की छापाना में और एक घड़ा रे घनो Yeah.
दसरा भैया अंकित कुमार पहले मारेगा या बना मारे पावे अंकित कुमार और यानी स्टूडियो अंकित यादव स्टूडियो अंकित यादव यादव सबको मारेगा अंकित यादव स्टूडियो ये 10 रुपए का पुरस्कार करते हैं भैया तो समय लोट और दया मेरी 11 मई अंकित यादव काम कर रही है। अरे गोरी।